नमस्ते सभी को। तो अभ्यास दो कर रहे हैं हम। अभ्यास दो में मैं द्वारा शरीर को देखने का अभ्यास कर रहे हैं। मूलतः देखें तो चैतन्य द्वारा जड़ को देखने का अभ्यास कर रहे हैं। उसी क्रम में मैं और शरीर इन दो वास्तविकताओं को अलग अलग पहचानने का हमने अभ्यास किया स्टेप वन पर। स्टेप टू में हमने मैं और शरीर के बीच जो आदान प्रदान हो रहा है उसको देखने का अभ्यास किया। तो दिखता है कि मैं शरीर को संकेत देता हूँ आवश्यकता अनुसार। शरीर में संवेदनाएं हो रही हैं, मैं उसको पढ़ता हूँ आवश्यकता अनुसार। और मेरे और शरीर के बीच जो आदान प्रदान हो रहा है उसमें कोई भी भौतिक रासायनिक आदान प्रदान नहीं है। जो मैं संकेत दे रहा हूँ या जो मैं संवेदना पढ़ रहा हूँ ये सिर्फ सूचना है। इतना हमने स्टेप टू पे ऑब्जर्व किया था। स्टेप थ्री पे अब हम ये देख रहे हैं कि निर्णय कौन ले रहा है, संकेत देने का और संवेदना को पढ़ने का निर्णय कौन ले रहा है, मैं या शरीर। इसको स्वयं में देखना है। तो अभ्यास एक में भी हमने किया था और एक हमारे कल्पनाशीलता में बात आ जाती है कि निर्णय तो मैं लेता हूँ, बट इसको हर एक हरकत में देखना है। हर एक बार जब मैं तरह से संवेदना को पढ़ता हूँ तब देखना है। इसको अपने आप पे देखना है और इसे पता करना है कि निर्णय कौन ले रहा है। इनफैक्ट निर्णय लेने का अर्थ भी क्या है इसको भी देखना है। तो कल हम लोगों ने इस पे कुछ असाइनमेंट लिया था। तो शरीर को किसी एक स्थिति में रखना है, फिर देखना है कि संकेत देने का और संवेदना को पढ़ने का निर्णय कौन लेता है। यदि शरीर की स्थिति बदली तो कैसे बदली, मैं के निर्णय से बदली या बिना किसी निर्णय के बदली, ये बात हम लोग कल ऑब्जर्व करना शुरू किए थे। इसका हमने असाइनमेंट भी लिया था। इस बिंदु को लेकर या इससे जुड़ा हुआ यदि आपका कोई शेयरिंग हो, कोई प्रश्न हो, कोई डाउट हो, इसको रख सकते हैं जी। इसको लेकर यदि कुछ ऑब्जर्वेशन आपका आया हो, इसको करते हुए आपको मैं और शरीर के अलग अलग होने का पता भी चलेगा। इनफैक्ट ये आगे के जितने भी स्टेप्स हैं उसको जब हम बारीकी से करेंगे तो मैं और शरीर के अलग अलग होने का पता भी चलता है। तो जब आप इसको देखने जाते हैं कि निर्णय कौन ले रहा है, तो बहुत ही सघनता से स्वयं की ओर ध्यान जाता है कि निर्णायक कौन है। शरीर में घटना हो रही है बट कहीं से निर्णय आ रहा है। वो निर्णय होता है तब मैं हरकत में आता हूँ, यानी शरीर हरकत में आता है। वो निर्णय होता है तब मैं शरीर से उस संवेदना को पढ़ता हूँ। और इस निर्णय की स्थिति को देखते हुए आपका ध्यान अपने भाव की ओर भी जाएगा, ठीक है। तो निर्णय लेने का आधार क्या है इसको भी आप देखना शुरू करेंगे। जैसे हम लोग अभ्यास एक में स्टेप फोर पे देख रहे थे कि निर्णय मैं लेता हूँ, तो स्टेप फाइव पे देख रहे थे कि निर्णय लेने का आधार क्या है, वो यहाँ भी आपको दिखाई देगा किस आधार पे हमने निर्णय लिया। परंतु अभी इस निर्णय लेने वाली स्थिति को और अगर हमने बारीकी से देखा हो इसको करते हैं, तो हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि अभी 10 मिनट इस चीज को देखते हैं अपने अंदर, फिर इसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो शरीर को किसी एक स्थिति में रखना है, उसे यदि हम बदल रहे हैं तो देखना है कि बदलने का निर्णय कैसे हुआ, ठीक है ना। उसमें कोई निर्णय शामिल था या अपने आप बदल गया। तो इससे शरीर में अपने आप होने वाली क्रिया, मुझ में अपने आप होने वाली क्रिया और शरीर के साथ जुड़कर होने वाली क्रिया, इन तीनों का आपको पता लगेगा। तो शरीर में जो अपने आप क्रियाएं हो रही हैं, ठीक है ना, उसमें मेरी कोई भागीदारी है कि नहीं ये भी पता लगेगा। मुझ में जो क्रियाएं हो रही हैं उसमें शरीर कोई भागीदारी है कि नहीं ये भी पता लगेगा। और मेरे और शरीर के जुड़ाव से जो क्रियाएं हो रही हैं उसमें क्या भागीदारी है ये भी पता लगेगा। तो इसको अभ्यास को हम लोग 10 मिनट करते हैं अभी। शरीर को किसी एक स्थिति में बना के रखना है और फिर देखना है कि अगर स्थिति बदलती है तो कैसे, स्थिति को बनाए रखते हैं तो भी कैसे। नमस्ते सभी को। नमस्ते। भैया, ये जो 10 मिनट का हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, इसमें ना ये एक बात हमने नोट की कि जैसे बताया गया कि कंफर्टेबल पोजीशन लेके आपको बैठना है और निर्णय लेना है कि एक ही स्थिति मेंटेन करके रखे 10 मिनट तक। तो मैंने ये नोट किया ना, जब मैंने निर्णय लिया कि मुझे यही पोजीशन में 10 मिनट लगातार बैठना है और देखना है कि क्या सेंसेशन आ रहे हैं और यही स्थिति मुझे मेंटेन करके रखनी है,
तो ना मुझे ऐसे अंदर से मतलब या ऐसे दूसरा भी एक ये आ रहा था कि अरे थोड़ा सा मैं उंगली तो हिलाऊं या इसको सुनना नहीं है, मुझे इसी पोजीशन में नहीं बैठना है। मतलब ये मैंने नोट किया ना, मैंने जो निर्णय लिया है वो फॉलो नहीं करना है, ऐसे भी एक थोड़ी स्थिति बन रही थी। और फिर मुझे बार बार कहना पड़ रहा था खुद को ही कि अरे इसी स्थिति में मुझे बैठना है, यही फॉलो करना है, ऐसे फिर ये स्थिति हो रही थी। तो इसको क्या समझे भैया? जी, हम कुछ भी करते हैं ना, तो हमारा एक स्वयं में ही एक अभ्यास है और मैं कहूँगा सहज स्वीकृति भी है। जब उसके प्रयोजन को देखना शुरू करते हैं, क्यों कर रहा हूँ मैं ये चीज, तो जब भी हम थोड़े आराम की स्थिति में होते हैं हम क्वेश्चनिंग शुरू करते हैं, उसके प्रयोजन को देखते हैं। तो अभी क्यों बैठे हुए, इससे क्या उपकार हो जाएगा, इससे क्या दिख जाएगा। तो हमारे अंदर हो सकता है बहुत सारे प्रश्न तैयार हो रहे हो, शंकाएं भी हो रही हो कि क्या ये ऐसे पोस्चर में बैठ जाने से मैं का पता लग जाएगा, दिख जाएगा क्या, शरीर से मुझे अपना भिन्न होना दिख जाएगा, कितनी देर में दिखेगा, दिखेगा कि नहीं दिखेगा। तो ऐसे बहुत सारे अपने अंदर प्रश्न उत्पन्न हो सकते हैं। ठीक, जो ठीक है, तो हम कुछ भी करते हैं उसकी क्वेश्चनिंग तो करते हैं, अपने अंदर उसके प्रयोजन को देखते हैं, उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, इस रूप में तो ठीक है। कि मैंने जो निर्णय लिया है ऐसे लग रहा था कि वो कहीं तो मुझे मतलब एक्सेप्ट भी नहीं हो रहा था पूरी तरह से, ऐसे मैंने थोड़ा ये फील किया और थोड़ी बहुत हरकतें हुई भी, और जिसको मैं नोट भी कर रही थी। तो ये थोड़ा अंतर्द्वंद कहे या क्या कहे इसको? और हाँ, तो जैसे आपने एक पोस्चर में बैठने का निर्णय लिया, वो तो चूंकि एक संकेत आया मेरी तरफ से, तो आपने वो निर्णय लिया, परंतु वो निर्णय क्यों लेना है ये पूरी तरह से स्वयं स्पष्ट नहीं है। और ये भी नहीं है कि हमें एक पोस्चर को बनाए रखना है, बात ये हो रही थी कि जो भी मैं संकेत दे रहा हूँ ठीक उसको देखना है, संकेत दे रहा हूँ कि नहीं, और यदि संकेत दे रहा हूँ तो उसमें निर्णय किसका है। तो शरीर के साथ जो भी मेरा आदान प्रदान हो रहा है उसमें निर्णय को देखना था। तो पता चला कि आप एक पोजीशन में बैठे रहे और कहीं पैर में झनझनाहट हुई, उसका पता चला आपको, तो ये देखना है कि पैर की झनझनाहट को मैंने पढ़ा अपने निर्णय से। तो उसमें देखेंगे होता क्या है कि या तो हमारा ध्यान कहीं गया हुआ है, हम अपने किसी विचार में खोए हुए हैं, विचार में ध्यान गया हुआ है और पैर में झनझनाहट हो रही है, बट अभी हमारा ध्यान उस विचार पे है तो पता नहीं चलता है। फिर तीव्र संवेदना जब हो जाती है तो पता चलता है, या अपने आप में एक निर्णय होता है कि चलो शरीर में होने वाली संवेदना को देखें तो पता चलता है। तो अल्टीमेटली संवेदना हो रही थी, उसकी सूचना मुझ तक आ रही थी, मैं उसको पढ़ नहीं रहा था, उसको मैं पढ़ नहीं रहा था। ठीक, पढ़ा कब, जब मैंने निर्णय लिया। वैसे ही शरीर के साथ भी देखें तो इंटरेस्टिंग चीजें दिखाई देंगी। जैसे आप बैठे एक पोस्चर में और उसके बाद हो सकता है धीरे धीरे कमर थोड़ी झुकने लगी, तो आपने कमर को झुकाने का संकेत नहीं दिया है, बट जो आपने एक संकेत दिया था कि सीधी रखनी है कमर, अब वो संकेत उस रूप में नहीं जा रहा, आप अपने किसी विचार में खो गए और वो संकेत देना रोक दिया आपने, तो शरीर अपने भार से ही झुकने लगा। अभी तो शरीर को जो हम बैठने की स्थिति में बनाए हुए हैं उसमें मेरा एक निर्णय शामिल है, अगर उस निर्णय को पूरी तरह से बदल दे तो शरीर गिर पड़ेगा। तो शरीर का भार से झुकना ये तो शरीर में होने वाली क्रिया है, परंतु शरीर को सीधा बनाए रखना है ये मेरा संकेत है, ये मेरा निर्णय है। जैसे हम खड़े हैं शरीर को खड़ा रखना है ये मेरा निर्णय है, परंतु यदि मैं इस निर्णय को बदल दूं, है ना, शरीर के प्रति जो अपना हमने एक निर्णय बना के रखा हुआ उसको छोड़ दूं, हटा दूं, तो शरीर गिर पड़ेगा। तो इन चीजों को भी अध्ययन कर सकते हैं कि कैसे मैं शरीर को स्थिति में बनाए रखता हूँ, कैसे मैं शरीर को संरक्षण दिए रहता हूँ, कैसे मैं शरीर के पोस्चर को बनाए रखता हूँ। ये सब मेरे निर्णय से हो रहा है। शरीर में कुछ भौतिक रासायनिक हो रहा है, शरीर की परस्परता है धरती के साथ, अगर मैं उसको न बनाए रखूं उस निर्णय को, शरीर गिर पड़ेगा, अपने भार से ही गिर पड़ेगा नीचे, जैसे और भौतिक रासायनिक वस्तुएं गिर जाती हैं। तो शरीर को मैं एक स्थिति में बना के रखे हुए हूँ, उसमें मेरा निर्णय जुड़ा हुआ है, शरीर खड़ा है तो भी, शरीर को सीधा रखा हुआ है तो भी, बैठे हुए नहीं तो गिर पड़ेगा।
तो ये सारी चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कैसे मेरा निर्णय शामिल है शरीर से जुड़कर जो गतिविधियां हो रही है उसमें। तो शरीर से जो संवेदना आ रही है इसको तो पढ़ ही रहा हूं, वो भी आवश्यकता अनुसार अपने निर्णय के आधार पर। साथ ही शरीर के कोष्ठक को बना के रखा हुआ हूँ, वो भी मेरा ही निर्णय है। और यदि बहुत स्पष्ट नहीं है कि वो निर्णय क्यों लेना है, जो और जरूरी चीजें लगती है वहां ध्यान जाता है। तो अभ्यास एक में जो हम लोग अभी अभ्यास करते हैं, अपने भाव पे ध्यान जाएगा, विचार पे ध्यान जाएगा, फिर उसी क्रम में फिर शरीर में कुछ घटना होगी फिर शरीर पे ध्यान जाएगा, ऐसा चलता रहता है। जी ठीक है भैया, मैं थोड़ा और ऑब्जर्व करूँ। जी नमस्ते भैया। जिस समय बैठ के ऑब्जर्व करना शुरू किया तो उस समय लगा कि थोड़ी देर तक तो ध्यान था कि शरीर को एक स्थिति में रखना है, पर कुछ देर बाद लगा कि जैसे ये मतलब सूचना ही माइंड से डिसअपियर हो गई, भाव ही खत्म हो गया कि हाँ बैठना है। फिर मन दूसरी चीजों पे जाने लगा और दूसरे मन में डिस्कशन शुरू होने लगे, शरीर की संवेदना और बॉडी को चेंज करने का ख्याल आना। और फिर जब आपने कहा कि हाँ हो गया 10 मिनट, तब फिर याद आया कि हाँ मुझे एक स्थिति में बैठना था। तो ये जो एक्टिविटीज थी ये हमने नोटिस किया कि माइंड कई बार अपने आप ऑटोमेटिकली ड्रिफ्ट हो जा रहा था और याद भी नहीं रहता था कि एक इंस्ट्रक्शन हमने दिया है जिस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। जी, तो जो अपने आप ड्रिफ्ट हो रहा था उसको भी आप देखें तो वो मेरा निर्णय था। जी जैसे हम लोग देख रहे थे ना, मेरा भाव मेरा निर्णय है, तो जो विचार तैयार होने उस भाव के आधार वो भी मेरा निर्णय है। तो हमने एक निर्णय को लिया बट उससे ज्यादा महत्वपूर्ण कोई और निर्णय हो गया एक पॉइंट का। तो शरीर को एक स्थिति बना के रखना है ये हमने अभी सोचा, परंतु तो बैठने के साथ ही मुझे घर का कोई काम याद आ गया तो ध्यान वहां चला गया, फिर उसके लिए विश्लेषण करने लगा तो ध्यान वहां चला गया, है ना। अब उन सब में क्या है, अल्टीमेटली भाव मेरा है, निर्णय मेरा है, तो अभी वो ज्यादा प्रायोरिटी का हो गया। तो शरीर से ध्यान हटा, शरीर से ध्यान हटा तो शरीर झुका या शरीर की स्थिति अपने आप बदली, ठीक। फिर ध्यान दिया कि अरे देखो स्थिति बदल रही है, तो ये हायर प्रायोरिटी की चीज होगी मेरे लिए, नहीं नहीं उसको बनाए रखते हुए ध्यान देना था कहीं और, तो फिर हम उधर ध्यान देते हैं, तो ऐसा चलता रहता है। तो मेरे अंदर जो भाव है वो भी मेरा निर्णय है, और जो मैं शरीर के साथ निर्वाह कर रहा हूँ वो भी मेरा निर्णय है। इस बात को कहने का बार बार अर्थ ये है कि हमें अपनी जिम्मेदारी दिख जाए, अपनी भागीदारी दिख जाए कि नहीं। तो जैसे स्वयं में हमने देखा कि मेरा सुख दुख पूरी तरह से मेरी जिम्मेदारी है, मैं अपने सुख दुख के लिए 100% जिम्मेदार हूँ, ठीक। वैसे हमको दिखाई दिया कि शरीर के साथ जो मैं निर्वाह कर रहा हूँ उसके लिए भी मैं 100% जिम्मेदार हूँ। संकेतों को मैं दे रहा हूँ अपने ही निर्णय से, संवेदनाओं को पढ़ रहा हूँ अपने ही निर्णय से। जी भैया, जी थैंक यू भैया। बढ़िया दीदी। एडिलेड जी का कहना है कि वो काम कर रही थी, उनके नाक में खुजली भी नहीं हो रही थी बट फिर भी अपने नाक को बार बार वो छू रही थी, है ना। ये हैबिट है, ठीक है। ये हैबिट जो होते हैं इसको भी थोड़ा ट्रेस करिए, ये हैबिट कैसे बने हैं, ये हैबिट जो बने हैं इसे मेरा कोई निर्णय शामिल है कि नहीं। हम सबका कुछ ना कुछ शरीर के आधार पर या शरीर के साथ हैबिट बना रहता है, किसी का पैर हिलाने का, किसी का है ना कंधे से कोई हरकत करने का, किसी का सिर से कोई हरकत करने का, चेहरे से कोई हरकत करने का, कुछ अभ्यास हमारे बने रहते हैं और उसमें हमारा कोई भाव भी होता है पीछे। आप उसको देखिए, जैसे कई बार होता है कि हम जब बात कर रहे होते हैं तो हमारे शरीर में मूवमेंट शुरू हो जाता है, ठीक है ना। अगर हमारा भाव स्थिर नहीं है या फिर कोई घबराहट है तो हमारे शरीर में एक तरह का मूवमेंट शुरू हो जाता है। आराम में होते हैं तो एक तरह का मूवमेंट होता है, परेशान होते हैं तो अलग तरह का मूवमेंट होता है। तो जो कल भी बात हो रही थी कि अगर समय घबराहट है, ठीक, फल परिणाम को लेकर शंका है, तो
हमारे अंदर जो भय है, जो परेशानी है, उसका प्रभाव शरीर पे आता है। तो शरीर में पसीना निकलने लगेगा, पैर हिलाने लगेंगे। अब पसीना निकालने का निर्णय मेरा नहीं है, परंतु जो मुझ में भाव विचार बन रहा है उसके आधार पर शरीर में कोई बहुत परेशानी घटना हो रही है, और पैर को हिलाने का निर्णय मेरा है, तो मेरे भाव विचार के आधार पर शरीर में पसीना छूटने लगा, वो तो एक बहुत ही रासायनिक घटना है जो शरीर में हुई। ठीक, उसके लिए मैंने संकेत भी नहीं दिया, वो तो शरीर में अपने आप हो रहा है मेरे भाव विचार के आधार पर। परंतु जो पैर हिला रहा हूँ, जो संकेत दे रहा हूं मैं, ठीक, ये मेरा निर्णय है। उस दौरान खाना नहीं पच पा रहा क्योंकि तो घबराहट है, तो खाना को न पचाने का निर्णय मेरा नहीं है, वो एक प्रभाव के रूप में शरीर में हो रहा है। परंतु उस घबराहट के साथ जो हरकत मैं कर रहा हूँ, वो तो मेरा निर्णय है। इन चीजों को बारीकी से ऑब्जर्व कर सकते हैं जी। तो इस काम को हम लोग अपने आप में करते रहें, अपनी भागीदारी को देखना। इनफैक्ट जितना स्पष्ट रूप से अपनी भागीदारी को देखेंगे, उतना शरीर का मुझसे भिन्न होना यह स्पष्ट होगा। और उसमें भी आप शरीर के बाकी हिस्सों से तो अपने आप को भिन्न फिर भी कम समय में देखने लगते हैं, बट मेधस के साथ जो हमारा जुड़ाव है, जिसके साथ सूचना का आदान प्रदान हो रहा है, उसको लेकर कंफ्यूजन बना रहता है कि ये मुझ में हो रहा है या मेधस में हो रहा है, ब्रेन में हो रहा है। तो मैक्सिमम टाइम तो सेल्फ के साथ है भैया, जो मुझे लग रहा है। और शरीर को हम कभी कभी यूज कर रहे हैं, मतलब कई बार तो ध्यान भी नहीं है कि शरीर, जैसे मैं बता रहा हूँ कि साइकिल में चला रहा हूँ पर ध्यान बीच में बिल्कुल ही कहीं और चला जाता है। भैया बस यही शेयर जी करना था। और बड़ा अच्छा है, मतलब 1.5 साल हो गया तो उसमें एक प्रयोग चल रहा है, तो आभार सभी का और आभार सबका इसमें के प्रयोग में मुझे ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है। धन्यवाद जी भैया। जी बढ़िया भैया। तो जैसे आप साइकिल चला रहे हैं, हर बार पेडल को दबाने का निर्णय तो आप लेते ही हैं, बट जी भैया, वो निर्णय एक सहज रूप से होने लगता है अभ्यास के आधार पर। साइकिल चला रहे हैं तो वो निर्णय हम लेते भी रहते हैं, और साथ में हम ध्यान कहीं और भी बनाए रखते हैं, और एक अभ्यास के तौर पे वो निर्णय हमारा बार बार एग्जीक्यूट होता रहता है। पेडल को दबाना है हर बार, ठीक है ना, हैंडल को पकड़ना है, साइकिल को बैलेंस रखना है, अपने शरीर के भार को इस प्रकार रखना है साइकिल पे कि साइकिल किसी एक तरफ गिरे नहीं। तो ये शरीर के साथ अभ्यास करते हुए हम वो निर्णय में काफी संतुलित हो जाते हैं, वो निर्णय कब किस प्रकार से लेना है वो भी निर्णय ले रहे हैं, साथ में हम कहीं विचारों में चले गए, ठीक है, ध्यान कहीं और चला गया, और वो भी ठीक है। एक बार हमने शरीर को साध लिया, फिर हम और जरूरी काम में लग जाते हैं। तो साइकिल चलाते चलाते आप, हो सकता है आप अपना लेक्चर आप रिवाइज कर लें जाते बिल्कुल हुए बिल्कुल बिल्कुल ये होता है भैया, लेक्चर। पर रिवाइज करते करते फिर कहीं और चले जाते हाँ, तो उसमें ये कोई बिल्कुल ठीक जैसे है। देखिए कि कोई गलत नहीं है, वो तो ठीक है कि शरीर को साध लिया, अब शरीर से काम कर रहे हैं, साथ में एक और काम करने लगे हाँ स्वयं जी में। जी भैया, जब पहली बार साइकिल चलाना शुरू किए थे तो साइकिल को और शरीर को साधना ही अपने आप में बहुत बड़ा काम था, सारा ध्यान उस पे था, तब तो भी नहीं सफलतापूर्वक कर पा रहे थे, अब कर पा रहे हैं। वैसे ही कोई कार ड्राइविंग कर रहा हो तो शुरुआत में तो एक्सेलेटर कब दबाना है, ब्रेक कब, क्लच कब, कब स्टीयरिंग घुमाना है ना, कब लेफ्ट टर्न राइट टर्न के लिए इंडिकेटर देना है, ये सबको बहुत प्रयास पूर्वक निर्णय लेके करते हैं, बाद में एक अभ्यास रूप में हो जाता है। वहां भी निर्णय मेरा ही है, परंतु उस निर्णय को लेने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ रहा, तो यही अंतर हो जाता है। अब हम ड्राइव करते हुए हो सकता है कुछ और भी चीजें ध्यान दे लें, साइकिल चलाते हुए कुछ और चीजों पर ध्यान दे लें, खाना बनाते हुए कुछ और चीजों पर भी ध्यान दे लें कि जी नहीं, ब्रश करते हुए कुछ और चीजों पर ध्यान दे ले। अब ब्रश भी कर रहे हैं तो हर बार दाएं बाएं हाथ से ब्रश को घुमाने का निर्णय मेरा ही हो रहा है, परंतु अब वो अभ्यास में सध गया है, इसलिए बहुत प्रयास नहीं करना पड़ रहा। तो इस प्रकार अगर हम देखेंगे तो हम शरीर के साथ उन हरकतों को करते हुए भी अपने आप में बहुत सारे काम कर सकते हैं। ठीक, ये भैया, मेरे क्षमता है। अब बारीकी से धन्यवाद। देखेंगे तो हाँ, ये सारा हमको दिखाई देगा, जो मैं कर रहा हूँ वो भी, जो शरीर के साथ जुड़ के कर रहा हूं वो भी। यस भैया, अवेयरनेस बढ़ रही है दिन ब दिन, मतलब बड़ा अच्छा है। जी जी बढ़िया भैया, बढ़िया भैया।
चैट बॉक्स में कुछ प्रश्न है। परस्पिरेशन भी सेल्फ के किसी डिसीजन का बॉडी पर प्रभाव का परिणाम है। ठीक बात है, तो सेल्फ में कुछ डिसीजन हुआ है, ऐसा अगर मैं उस परीक्षा के फल को महत्वपूर्ण ना मानू तो पसीना नहीं निकलेगा। इंटरव्यू होना है कहीं जॉब के लिए, उस इंटरव्यू के परिणाम को मैं महत्वपूर्ण ना मानू तो पसीना नहीं निकलेगा, पैर को हिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, सांस ऊपर नहीं चढ़ेगा, रक्तचाप नहीं बढ़ेगा, हृदय गति नहीं बढ़ेगी, बट यदि मैं मानूंगा तो बढ़ेगा, ऐसा है। नमस्ते भैया। जी नमस्ते भैया, अभी जो मैं पूछ रहा हूँ ये कहीं कंटेंट यहाँ पर तो नहीं आया है, लेकिन अभी जो आपने बात की थी कि कुछ जैसे साइकिल चलाना है, तो जब हम सीखते हैं तब तो हम बहुत हर मूवमेंट के प्रति कॉन्शियस होते हैं, चाहे कार चलाना है तो हर मूवमेंट के प्रति कॉन्शियस होते हैं, तो हमें दिख भी रहा होता है कि ये सेल्फ का निर्णय है और हम ये सारे संकेत हम दे रहे हैं शरीर को और शरीर उसके अकॉर्डिंग चल रहा है। लेकिन जो मैंने अभी तक कहीं और जो पढ़ा है जाना है उसमें ये है कि जो जिसको हम सेल्फ कह रहे हैं उसके दो पार्ट होते हैं, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। तो जो चीजें हम स्टार्ट में सीख रहे होते हैं वो कॉन्शियसली होता है, जैसे वो सीखने की प्रक्रिया कंप्लीट होती है तो वो अनकॉन्शियस का पार्ट बन जाता है। तो वहां भी निर्णय तो सेल्फ ही ले रहा होता है बट वो अनकॉन्शियस का पार्ट है, इसलिए हमें नहीं दिखाई देता कि वो संकेत हम दे रहे हैं। जी तो संकेत तो मैं ही दे रहा हूँ अपने निर्णय से ही दे रहा हूँ, है ना, बट वो अभ्यास में आ गया है। हाँ, तो वो अनकॉन्शियस का पार्ट बन गया, इसलिए हमें लगता है कि मैं नहीं दे रहा हूँ लेकिन मैं ही दे रहा होता हूँ। किसी और क्रिया को करते हुए भी किसी और चीज को मैं अगर दे रहा हूँ तो वो मेरा ही संकेत है, लेकिन वो अभ्यास की वजह से अनकॉन्शियस का पार्ट बन गया तो मुझे उसके वहां कॉन्शियस रहने की जरूरत नहीं पड़ रही। जी जी, यही था भाई, ये एकदम दिमाग में आया था। जैसे कोई चल रहा हो और साथ में मोबाइल पढ़ रहा हो, मोबाइल पे कोई मैसेज आ गया है तो चल रहा है, तो चलने का निर्णय तो मैं का है ही, एक एक पैर उठाया जा रहा है मैं के निर्णय से ही, है ना, और साथ में मोबाइल भी पढ़ रहे हैं। और वो रास्ता हमें पता है तो हम अपना आप शरीर टर्न करते हैं, जैसे घर से कॉलेज जाने का रास्ता पता है तो हम उसके लिए कॉन्शियस नहीं है, मोबाइल पे बात भी कर रहे हैं या किसी और कुछ और भी कर रहे हैं, लेकिन अपना आप शरीर अंदर निर्णय ले रहा है, सेल्फ निर्णय ले रहा है और शरीर अपना आप उस तरफ घूमता जा रहा है। लेकिन जो रास्ता जैसे हमें पता नहीं है तब सेल्फ हम, क्योंकि कॉन्शियस होते हैं उस समय कि रास्ता पता नहीं है तो हम पूरा सेल्फ निर्णय ले रहा होता है, उसके प्रति हम अवेयर भी होते हैं तो वो हमारे को पता चल रहा होता है कि निर्णय सेल्फ ले रहा है। जी जी भैया, ये थोड़ा सा शेयरिंग था मेरा। जी बढ़िया भैया। भैया इसी क्रम में कभी हम गाड़ी चलाते वक्त कई बार बातों में लग जाते हैं, गाड़ी कहीं टकराने की स्थिति होती है तो उसको अचानक एक झंझनाहट होती है, फिर पता चला कि मेरे से गलती होने वाली थी, ये क्या थर्ड सेंस कहलाएगा या सेल्फ का ही एक पार्ट है? जी तो एक तो बात यह है कि गाड़ी चलाते समय हम दूसरे हरकत ना करें तो नहीं, ये बिल्कुल सही है। या कोई मैसेज पढ़ना, ऐसा दो तीन बार हो गया, लेकिन एक हम कहते हैं ना इंट्यूशन ने कहा मेरे को कि यार वहां पे नुकसान होने वाला है तो तुरंत हमने संभाल लिया, ये कैसा होता है, ये क्या ये सेल्फ का ही एक पार्ट है या? हाँ, जिसको अभी आप थर्ड सेंस कह रहे हैं वो हमारी गहरी स्वीकृतियां हैं, तो शरीर को बनाए रखना है, वापस परिवार में लौट के जाना है ना, शहीद नहीं होना है सड़क पर। सही है सही, ये हमारे लिए स्वीकृति है, गहरी स्वीकृति है, तो उसके साथ हम बाकी जो चीजें कर रहे हैं उसकी प्रायोरिटी लोअर हो जाती है किसी पॉइंट पे और हमको स्वीकृति ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है। तो जैसे हम कर रहे हैं और बगल से कोई गाड़ी जस्ट छूते हुए निकल गई, अब हमको लगता है कि हम गलत कर रहे थे, ये जो हमने मान लिया था कि मैं गाड़ी चलाते समय मोबाइल पढ़ सकता हूँ ये गलत निर्णय था, फिर मोबाइल खट से रख देते हैं, इसको थर्ड सेंस करने की जरूरत नहीं है। तो क्या हुआ कि हमारे अंदर एक स्वीकृति है कि भाई शरीर को जिंदा तो रखना ही है, ठीक, मोबाइल बाद में पढ़ लेंगे, पर लगता है कि शरीर तो जिंदा रहेगा ही, है ना, साथ मोबाइल भी पढ़ा जा सकता है तो पढ़ते रहते हैं, तो उसको ना करें बेहतर है। कई बार आपको दिखाई देगा कि सड़क पे कोई बीच में चल रहा है, बहुत धीमी गति से कार चल रही है, इसका सीधा मतलब है कि मोबाइल पे कुछ पढ़ रहा है तो बाएं से निकल रहे हैं, दाएं से निकल रहे हैं, ज्यादा अच्छा है कि मोबाइल तब पढ़ ले जब किनारे लगा ले गाड़ी। बिल्कुल सही जी, तो वो अपने अंदर गहरी स्वीकृतियां हैं शरीर को बनाए रखने के लिए, ठीक है ना। ऐसा लग रहा है कि कोई अपने को झंझोड़ दिया है कि
एकदम कोई थर्ड फोर्स अपने को काम कर रहा है ऐसा लग रहा था कि हमारा बेहोशी को एकदम झटका दे दिया। तो देखिए भाई अब थर्ड फोर्थ में क्यों जाते हैं, हम अपनी ओर ध्यान दें। अच्छी बात है कि आपने ये प्रश्न रेज किया। तो क्या होता है कि हम बहुत सारे मुद्दों पे ये सेल्फ और बॉडी को एज इट इज ऑब्जर्व करने के बजाय बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट्स ले आते हैं, ठीक है ना। उन नए कॉन्सेप्ट्स को लाने से सेल्फ को ऑब्जेक्टिवली देखना फिर रुक जाता है, कोई थर्ड सेंस कहें। बढ़िया बढ़िया भाई, और गहरे से देखेंगे। थैंक यू भैया। तो उसको ऑब्जेक्टिवली देखें, मैं और शरीर को ऑब्जेक्टिवली देखें कि मैं क्या कर रहा हूँ, शरीर क्या कर रहा है, और कोई नए कॉन्सेप्ट ला ही नहीं। मेरे भाव में क्या है, मेरे विचार में क्या है, उसको देखें। जैसे कॉन्शियस, सब कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, अब इन तरह की चीजों को भी हम कम से कम रखते हुए देखें कि मेरे भाव में क्या क्या है उस क्षण। तो मेरे अंदर शरीर के वजह संरक्षण का भी भाव है, जैसा भी हम सब बात कर रहे हैं, तो समझने का भाव भी है, साथ ही शरीर को संरक्षण देने का भी भाव है ना, साथ ही ये जो वस्तुएं हैं कमरे में उनके प्रति संरक्षण का भाव है। तो जैसे अभी हम मोबाइल पे हैं, बात कर रहे हैं, एक दूसरे की बात सुन रहे हैं, ठीक, बट यदि लगे कि नल खुला छूट गया है, पानी बह रहा है, तो हम जाते हैं नल बंद करते हैं, पानी संरक्षित रहे, ठीक। लगे कोई चीज गिरने वाली है, अभी कोई सामान रखा है कमरे में गिरने वाला है, हम दौड़ के जाते हैं उसको सीधा कर देते हैं, बचा के रख देते हैं। तो भाव हमारे अंदर बना हुआ है, तो हमारे अंदर एक साथ ही सारा भाव बना रहता है, शरीर के प्रति संरक्षण का भाव, सुविधाओं के प्रति उनके संवर्धन का, संरक्षण का, सदुपयोग का भाव, है ना। ये तो अच्छी बात है, ये इतने भी सही भाव है, ये सब हमारे चिंतन में आ जाए तो सारे भाव एक साथ बने रहेंगे। मानव के प्रति संबंध का भाव, शेष वस्तुओं के प्रति संबंध का भाव, व्यवस्था का भाव, सहस्तित्व का भाव, इन सब के साथ हम निर्वाह कर रहे होते हैं। तो एक समय में एक ही भाव काम करता है ऐसा नहीं है, सारे भाव एक साथ बने रह सकते हैं, इन सारे भावों के साथ मेरा निर्वाह बने रह सकता है। तो हम शरीर के प्रति संरक्षण के भाव को बनाए हुए साथ ही बात कर रहे हैं, समझने का भाव भी है परंतु शरीर के प्रति संरक्षण का भाव भी है, परिवार के अन्य सदस्यों के प्रति संबंध का भाव भी है। तो जैसे हो सकता है कोई अभी चर्चा सुन रहे हैं, बट घर में कोई छोटा बच्चा है और उसके रोने की आवाज आ जाए, तो ये चर्चा हमारे गौण हो जाएगी, फिर हम दौड़ के जाएंगे पहले बच्चे को देखेंगे। तो उसके प्रति संबंध का भाव बना हुआ है, इसके साथ हम इस काम को कर रहे हैं सुनने का, समझने का। तो हमारे साथ जो भी भाव बने उन सबको पहचाना जा सकता है, इसको हम लोग अभ्यास एक में करते रहे, उसके साथ हम निर्णय ले रहे हैं, उसमें एक भाग है शरीर के प्रति संरक्षण का, ठीक। तो वो भी किस प्रकार बना हुआ है उसको देख सकते हैं, उसी के साथ शरीर से मिलने वाली संवेदना से सुख मिल जाए, ये भी भाव बना रह सकता है। जी हनी जी, ठीक है भैया, धन्यवाद, मैं और ध्यान देंगे। बढ़िया भैया, श्रेष्ठता का भाव, इसका मतलब हुआ कि सही समझ, सही भाव, किसी को श्रेष्ठता कह रहे हैं। तो संबंध का भाव श्रेष्ठता का भाव है, व्यवस्था का भाव श्रेष्ठता का भाव है, सहस्तित्व का भाव श्रेष्ठता का भाव है। जो भी संबंध के अर्थ में है, व्यवस्था के अर्थ में है, सहस्तित्व के अर्थ में है, वही श्रेष्ठ है। अब इसके सेकेंड पार्ट में देखें तो शरीर के साथ हर आदान प्रदान को देखना है कि निर्णय कौन लेता है, मैं या शरीर। कोई नियमित कार्य करते समय, सुबह उठना है, तैयार होना है, घरेलू कार्य करना है, ऑफिस के नियमित कार्य करना है, चलना है, फिरना है, भोजन करना है, भोजन बनाना है, तो इस दौरान भी हम देखें कि निर्णय कौन ले रहा है। इस पर हमने बात किया, इसमें हम साइकिल चलाना, ड्राइविंग करना, उठना बैठना, इन सबको भी जोड़ के देखेंगे तो पता चलेगा कि इसमें निर्णय कौन ले रहा है। और अचानक किसी घटना प्रतिक्रिया देना, जैसे कोई आवाज, कोई स्पर्श, कोई दृश्य, वही जिससे भी कनी जी थर्ड सेंस भी कह रहे थे, तो उसमें भी मेरा निर्णय है कि नहीं। मोबाइल पढ़ते हुए चल रहे हैं, ठीक, बट सामने में खंभा आ गया, अचानक देख लिया, ठीक, तुरंत रुक गए, ठिठक गए, रास्ता बदल लिया,
साइकिल चला रहे हैं, हो सकता है हम अपने आप में कुछ सोच रहे हैं, तभी सामने से कोई कार दिखाई दे या तुरंत ब्रेक लगा लिया। इस तरह से शरीर से जो भी गतिविधि हो रही है, नियमित रूप में हो रही है चाहे किसी अचानक घटना पे, उसको भी देखें, उसको भी देखें कि यहाँ पे मेरी भागीदारी क्या है, शरीर की भागीदारी क्या है कि नहीं। इससे थोड़ी बात हम लोगों ने की भी, इसको और हम लोग आगे अभ्यास करें। भैया नेक्स्ट स्लाइड लगा दीजिएगा। उसी तरह से देख सकते हैं गहरी सोच में बने हुए हैं हम, कोई गहरी सोच में है, कोई चिंता में है, ठीक। उस दौरान भी मेरे अंदर शरीर के संरक्षण का भाव तो बना ही रहता है, गहरी सोच में है, बैठे हुए हैं, ठंड है, ठंड लगी जोर से, कंबल या रजाई खींच के अपने पैर पर डाल लिया, तो शरीर के संरक्षण का भाव बना हुआ, उसके साथ गहरी सोच में बने हुए। इन सारी स्थितियों में देखने से मुझे अपना जो रोल है बॉडी के साथ दिखाई देने लगेगा, तो पता चला कि शरीर साधन है, एक भौतिक रसायनिक वस्तु है, ठीक, और निर्णय ले रहा हूँ, शरीर को संकेत दे रहा हूँ, शरीर में कुछ भौतिक रसायनिक क्रियाएं हो रही हैं, मेरे निर्णय से वो प्रभावित हो रही है, और जो हरकत हो रही है जहाँ ज्ञानेन्द्रियों या कर्मेंद्रियों का काम है उसमें तो मेरा निर्णय निश्चित रूप से शामिल है। जी, इसको देखें अपने आप में, तो हर आदान प्रदान को देखें। आज तो संडे का दिन है, समय भी काफी मिलेगा, ऐसे अवसरों पर हम एक घंटा डेढ़ घंटा अलग से लगाएं अपने लिए तो उपयोगी रहेगा ना। अभी हम कहाँ खड़े हैं, कहाँ उलझे हैं, क्या प्रायोरिटीज हमारी, क्या कंसर्न्स है हमारे, कहाँ कहाँ मैं सुख पाने के लिए दौड़ता रहता हूँ, इन सब मुद्दों पर ध्यान जाएगा। उसके लिए मैं कैसे शरीर को बनाए रखता हूँ, कैसे शरीर को बिगाड़ लेता हूँ, कैसे शरीर का मैं ध्यान रखता हूँ, कैसे मैं शरीर से ध्यान हटा देता हूँ, उन सब पे स्पष्टता बनेगी। अल्टीमेटली देखिए, ये सब जो अभ्यास कर रहे हैं उससे एक जो निष्कर्ष निकलेगा वो ये कि जो शरीर से सुख प्राप्त करने की जो आशा है हमारे अंदर, उससे हम निकल पाएंगे। तो जो संवेदना हो रही है उस संवेदना का मैं रस लेता हूँ, आस्वादन करता हूँ और उसे सुखी होने जाता हूँ, उससे हम निकल पाएंगे। तो अभ्यास एक में ये जो दूसरे से मिलने वाला भाव है उसका हम लोगों ने काफी ठीक ठीक आकलन करने का प्रयास किया, उसमें परिमार्जन के लिए काम किया। वैसे ही अभ्यास दो में जो शरीर से मिलने वाली संवेदना है उस पर जो मेरी निर्भरता है सुख की, उससे हम निकल पाएंगे, इन बातों को ऑब्जर्व कर देंगे। स्टेप फोर में जाएंगे तो और क्लैरिटी बनेगी इस पर। तो हमको अपने गहरे गहरे संस्कारों का पता चलेगा, और इसमें आवश्यक है कि हम बहुत सारे नए नए शब्द लाकर उसको एक्सप्लेन ना करें, बस देखें। तो कई बार क्या होता है, जो हमारा बहुत सारा संचित सूचना है वो बाधा बन जाता है, एक के लिए अनेक शब्द, अनेक के लिए अनेकानेक शब्द हम ले आते हैं, उससे क्या होता है हमारा देखना रुक जाता है, देखना धीमा हो जाता है और हम उन्हीं पर विचार करते रहते हैं। तो एक बार देख लेंगे तो शब्द दे देंगे उसको, बट शब्द के लिए शब्द, शब्द के लिए शब्द अगर हम देते चले जाए और देखना ना हो पाए तो उपलब्धि नहीं है। ये तो कहने के लिए हमारे पास बहुत सारी बातें होगी बट हम देख कर नहीं कह पाएंगे। तो मूल मुद्दा तो अपने आप में देख लेने का है, मैं को मैं की तरह, शरीर को शरीर की तरह, मैं और शरीर के अस्तित्व को जैसा है। और इसको बारीकी जब देखने की स्थिति आती है तो चैतन्य भी दिखाई दे रहा है, जड़ भी दिखाई दे रहा है, चैतन्य और जड़ का सहअस्तित्व भी दिखाई दे रहा है। तो फिर इसके आधार को देखने जाएंगे, इसका आधार क्या है, शून्य भी दिखाई देगा, कितना ठीक ठीक स्पष्ट हो सकता है। तो ज्ञान में कुछ भी क्लिष्ट नहीं है, कुछ भी रहस्य नहीं है, इनफैक्ट हमारे भावों में ही चूक हो जाती है, हम उसको बहुत विशेष वस्तु बना देते हैं ज्ञान को, उसको बहुत क्लिष्ट बना देते हैं ज्ञान को।
ज्ञान का मतलब तो जो वस्तु जैसी उसको वैसा देखना, उसको क्लिष्ट बनाने की जरूरत ही नहीं है। उसको जितना जितना हम अपने आप में सिंप्लीफाई कर ले उतना उपयोगी रहेगा। तो पूरी अस्तित्व को देखें तो जड़ है, चैतन्य है, शून्य है, यही तीन वास्तविकता है। नहीं और भी सिंप्लीफाई करें तो क्रिया है और क्रिया शून्य है, और सिंप्लीफाई करें तो सहस्तित्व है। तो मूल रूप में देखें तो सहस्तित्व है, ठीक। उसी सहस्तित्व के प्रकटन में क्रिया का क्रिया शून्य में संप्रयुक्त होना है। उसी के प्रकटन में क्रियाएं दो प्रकार से जड़ और चैतन्य, ठीक। उसी के प्रकटन में पूरी प्रकृति, उसी में चार अवस्थाएं, अपनी चार अवस्थाओं में मानव, मानव को देखें तो चैतन्य जड़ दोनों का संयुक्त रूप, उनका सह अस्तित्व। तो बहुत सारी चीजें हमको बहुत ही सिंप्लीफाइड ढंग से दिखेंगी जब अपने आप में देखने जाते हैं कि नहीं, तो हमको दिखाई दे कि मूल मुद्दा तो स्वयं में देख लेने का है, जान लेने का है, उसके अनुसार जी लेने का है। तो जब इतनी स्पष्टता से हम देखेंगे अपने आप में तो हमारा व्यवहार भी फिर निश्चित होगा, कार्य भी निश्चित होगा, हमारी भागीदारी भी निश्चित होगी। जी तो इसको आज हम लोग ऑब्जर्व करें तो गहरी सोच में बने रहते हुए भी हम देख सकते हैं, नहीं तो ये दोनों भाग को देखें ए और बी। तो ये जो अचानक कोई प्रतिक्रिया हम देते हैं उसमें भी क्या हो रहा है, गहरी सोच में बने रहते हैं उसमें भी क्या हो रहा है, और इससे क्या निष्कर्ष निकलता है। तो देखें कि दिन भर में कितनी देर शरीर के साथ सूचना का आदान प्रदान कर रहा हूं, कितनी देर मैं स्वयं में क्रियाशील हूं, शरीर के प्रति संरक्षण का भाव बना हुआ है परंतु सूचना का आदान प्रदान नहीं कर रहा हूं, एक साधन के रूप में स्वीकार हूं उसका ध्यान रख रहा हूं परंतु बार बार सूचना का आदान प्रदान नहीं कर रहा, जैसे लेट गए शरीर की स्थिति में रख दिया और अपने काम में लग गए, कोई विचार करने लगे। इस चीज को देखें हम, और कई बार जो ध्यान हमारा कहीं और जा रहा है ना उसका मतलब इसकी प्रायोरिटी शिफ्ट हो रही है, तो हम उसको देख लें प्रायोरिटी हमारी क्या है अल्टीमेटली। तो जड़ को जड़ की तरह देख लें, चैतन्य को चैतन्य की तरह देख लें, इन दोनों के अस्तित्व को देख लें, इनकी संप्रयुक्तता को देख लें, और इसी से मेरा सुख है। तो क्या होता है कि जब हम नीचे क्रियाओं में एक्टिव होते हैं तो ऊपर की क्रियाओं को एक्टिव करने में थोड़ा प्रयास करता है, क्योंकि उसका सुख नहीं लगता, उसे मेहनत पड़ता है, उसका सुख मिलने लगता है तो फिर वहां ध्यान बना रहता है, उसका सुख हमें ज्यादा स्थायी दिखता है, ठीक, उसमें अनिश्चितता कम दिखाई देती है। तो अगर हम इच्छा के स्तर पे समाधानित होने लगते हैं तभी जो विचार में अपने आप को समाधानित करके सुखी होने का प्रयास कर रहे थे उससे ज्यादा स्थायित्व वहां दिखाई देता है। वैसे आस्वादन पाकर जो हम अपने आप को सुखी करने का प्रयास कर रहे थे तो अगर भाव के स्तर पर स्थिर हो गए तो उसका सुख बड़ा दिखाई देता है, तो हमारे अंदर एक प्रेरणा भी बनती है, आश्वस्ति भी बनती है। इस काम को हम करें आज, थोड़ा समय निकालें एक डेढ़ घंटा उसको करें ध्यान से, कल फिर चर्चा करेंगे। सभी को धन्यवाद।